लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के बाद विवाद अब शांत नहीं हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वहां से बाहर निकलने दिया गया है। एयरपोर्ट पर राहुल अपनी गाड़ी से जाएंगे या प्रशासन की गाड़ियों से, इस पर विवाद हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर विवाद दो बातों को लेकर था। प्रशासन ने बाकायदा रूट और गाड़ियां तय की थी, लेकिन राहुल ने उनसे जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रशासन राहुल को एयरपोर्ट से दूसरे गेट से निकालना चाहता था, लेकिन राहुल ने कहा कि वह मेन गेट से ही जाएंगे। प्रशासन राहुल को सीधा लखीमपुर जाने को कह रहा था, लेकिन राहुल ने कहा कि वह पहले सीतापुर जाएंगे और वहां से प्रियंका के साथ ही लखीमपुर जाएंगे। प्रशासन ने राहुल की सारी बातें मान ली और राहुल गांधी को अब इजाजत मिल गई है। राहुल गांधी अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। राहुल गांधी के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, क्या है अपडेट? राहुल गांधी की जो मांगे हैं वो मान ली गई है, फिलहाल क्या अपडेट? जी आशीष, जैसा कि पहले भी कहा था, जी यूपी सरकार ने इजाजत दे दी राहुल गांधी को अपनी टीम के साथ जाने के लिए, लेकिन टीम के साथ भी जाने के लिए चार लोगों को इजाजत मिली है। राहुल गांधी के अलावा वो तीन लोग होंगे जो लखीमपुर खीरी जाएंगे। हालांकि प्रशासन से नोकझोंक भी थी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी, जैसा कि हमने बताया था कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी जो कागजी कार्रवाई है उसके लिए प्रशासन में और राहुल गांधी के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आखिर में प्रशासन ने राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया और जिस गेट से वो जाना चाहते थे वहीं से जाने दिया गया। अभी सीधी तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी को प्रशासन अपने साथ लेके निकला है और चूंकि सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भी थे जिनके बीच से निकालना राहुल गांधी को एक टेढ़ी खीर भी थी, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जब देखा कि उनके नेता को प्रशासन ने आराम से बाहर जाने दिया और लखीमपुर जाने के लिए इजाजत मिल रही है, तो अब राहुल गांधी सीधे सीतापुर होते हुए जहां पे प्रियंका गांधी पहले से मौजूद है, प्रियंका को अपने साथ लेते हुए अब लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित किसान के परिवारों से मिलेंगे थोड़ी देर में। आशीष जी, बिल्कुल जिस प्रकार की मांग राहुल गांधी की थी, मांग मान ली गई है और उन्हें अब उनके काफिले को जाने दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी वो जा रहे हैं, आगे क्या कार्यक्रम उनका तय है? वापस दिल्ली कब लौटेंगे? अभी से थोड़ी देर में वो पहले जाएंगे, पीड़ित किसानों से मिलेंगे। पीड़ित किसानों से मिलने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, जो कि पहले से भी बात तय हुई थी कि हो सकता है कि प्रदेश कार्यालय कांग्रेस भी आए और उसके बाद ही कुछ तय होगा, क्योंकि अभी तय नहीं है कि कितने बजे होगी पीड़ित किसानों से मिलने के बाद वापस लखनऊ आएंगे और हो सकता है प्रदेश कार्यालय रात में जाएं और वहीं से सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे रात्रि। लखीमपुर खीरी में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो जो इनके साथ, इनकी सारी सुविधाएं, राहुल गांधी को मिली सारी सुविधाएं, जो भी उनके साथ सुरक्षा है, जो भी उनके साथ सारे दस्ता चलता हो, चाहे एनएसजी कमांडो चाहे फिर वो पुलिस का दस्ता, वो साथ में होगा। लेकिन अगर वहां पे बात करें लखीमपुर खीरी में, तो जिस तरीके की सुरक्षा है उसमें भी पीएसी की टुकड़ी को बढ़ा दिया गया है। दो वहां पे एडिशनल एसपी है जो की पीड़ित किसानों के घर पर मौजूद है, उनके साथ आठ दरोगा है, मतलब एसओ है उनके साथ, और उसके अलावा 16 हवलदारों की नियुक्ति की गई है पीड़ित किसान के घर पर इस वक्त। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है। अब प्रियंका गांधी को साथ लेने के बाद लखीमपुर खीरी जाने का राहुल गांधी का कार्यक्रम है।